नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। स्वच्छता ही सेवा अभियान आरएसपी और पार्श्वांचल गांव के स्कूलों में आयोजित। ओबीबीपी विभाग में संचार बैठक एवं एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। और एचआरडी केंद्र में व्यवहार आधारित सुरक्षा पर कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए स्वच्छ भारत अभियान की चौथी वर्षगांठ मनाने के लिए देश के स्वच्छता ही सेवा अभियान में राउरकेला इस्पात संयंत्र शामिल हुआ। राउरकेला स्टील प्लांट ने अपने स्कूलों के साथ साथ परिधीय गांव के छात्रों के लिए स्वच्छता पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। 25 सितंबर को इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 20, इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 22 और इस्पात विद्या मंदिर सेक्टर 19 के स्कूली बच्चों के बीच एक प्रश्नोत्तरी और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में 400 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। 27 सितंबर को इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 20 द्वारा एक स्वच्छता संकल्प ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रश्नोत्तरी एवं चित्रकला प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इसी प्रकार 25 सितंबर को आरएसपी के सीएसआर विभाग द्वारा बिसरा ब्लॉक में प्रोजेक्ट यूपी स्कूल जॉब पानपोस में 25 सितंबर को एक स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। उप महाप्रबंधक प्रभारी सीएसआर श्री पीएम बेहरा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। 22 सितंबर को ओर बेडिंग और ब्लेंडिंग प्लांट में एक महाप्रबंधक संचार बैठक और एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। महाप्रबंधक ओबीबीपी श्री अरविंद मिश्र ने बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक प्रभारी मैकेनिकल श्री ए के घोष, उप महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल श्री पी के दास, उप महाप्रबंधक ऑपरेशन श्री एन के मंडल, सहायक महाप्रबंधक ऑपरेशन श्री एस सी मोहंती और विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कुल 15 कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक में पिछले महीनों की उपलब्धियों, कमियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान श्री मिश्र ने एसओएसटी श्री पी के राउत और श्री डी देहुरी को क्रमशः जुलाई और अगस्त महीने के लिए माह के कर्मचारी पुरस्कार प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि श्री राउत को चरण 3 के शिफ्ट रखरखाव के लिए मान्यता प्राप्त की, जबकि श्री देहुरी को ओबीवीपी के दूसरे चरण के शिफ्ट रखरखाव के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन श्री शुभेंदु गरुड़ सहायक प्रबंधक कार्मिक ने किया। एचआरडी सेंटर में 25 और 26 सितंबर को व्यवहार आधारित सुरक्षा पर एक 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। आरएसपी के विभिन्न विभागों में काम कर रहे कुल 29 कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के विभिन्न सत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और आरएसपी के भूतपूर्व कार्मिक श्री एच एन पटेल ने व्यवहार सुरक्षा सहित पारिवारिक सुरक्षा, व्यवहार आधारित सुरक्षा प्रबंधन प्रक्रिया, दृष्टिकोण और व्यवहार एबीसी विश्लेषण सहित व्यवहार सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। संगठन में व्यवहार सुरक्षा को लागू करने के लिए रोड मैप पर भी चर्चा की गई और प्रस्तुतीकरण भी किया गया। व्यावहारिक अभ्यास आयोजित किए गए और प्रतिभागियों को विषय संबंधी सरल समझ के लिए ऑडियो विजुअल दिखाए गए थे। विशेष रूप से कार्यक्रम का मूल उद्देश्य कर्मचारियों के बीच सुरक्षा मानसिकता पैदा करना है, ताकि उनमें से प्रत्येक आने वाले दिनों में सुरक्षा क्रूसेडर के रूप में कार्य कर सके। सहायक प्रबंधक एचआरडी सुश्री ए बेहरा ने कार्यक्रम का संचालन किया। इसके साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त हुए। नमस्कार।